सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड ब्लडेड किलर। तो दोस्तों आज हम उतर रहे हैं मिल में और हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस डुओ गेम प्ले। तो शायद मेरे साथ एक या दो डुओ उतर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमको तो दो गो शॉर्ट रेंज मिल गया है, लेकिन हमको चाहिए था एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक लॉन्ग रेंज मिल जाए, और जैसे लॉन्ग रेंज मिल जाएगा हम लोग फाइट अटेंड करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ये 95 मिल गया तो इसे काम चला सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा मिड रेंज के लिए भी। और आगे एक बंदा, चलो बंदा तो खत्म हो गया। पता नहीं इसका टीममेट्स कहाँ होगा, लेकिन इसका टीममेट्स का आने का इंतजार नहीं करेंगे भाई, अपना हेल्थ भी बहुत कम है। तो सबसे पहले मेडकिट लगा लेंगे जल्दी से जल्दी, और कहीं सेफ जगह देख लेते हैं। हाँ चलो यही सेफ है, यहाँ ना आगे से पड़ेगा ना पीछे से पड़ेगा। अब मेडकिट लगाने के बाद देखते हैं इसका टीममेट है या नहीं, होगा तो मिल में ही और कहाँ जाएगा। तो कोई बात नहीं, और सामने एक बंदा, ये तो काफ़ी टीम अप करना चाह रहा था, लेकिन क्या ही बोले भाई, गलती से गोली छूट गया। चलो कोई बात नहीं, इसका बंदे को बुलाते हैं, अगर उसका बंदा आके रिवाइव कर दे तो नहीं मारेंगे, लेकिन पता नहीं उसका बंदा कहीं चाल ना चले, कहीं हम लोग को ही ना मार दे। लेकिन जब तक उसका बंदा ना आ जाए हम लोग इसको नहीं मारेंगे, मतलब मारेंगे तो नहीं, देखते हैं उसका बंदा आके इसको रिवाइव कर दे तो काफ़ी सही रहेगा यार, हमको थोड़ा बुरा लग रहा है इसको मारने के बाद। लेकिन इसका बंदा है कहाँ भाई, इतना फैन चला रहे लेकिन आने का नाम नहीं ले रहा है, लगता है बंदा ऐसे तड़प तड़प के मर जाएगा, क्या बोले भाई। चलो अब मर गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लूट लेते हैं जल्दी से। एसएमजी तो मिल गया, अब एसजीएम में चाहिए जो शॉटगन कायम होता है, लेकिन लोग इसका गन उठा लिए, क्योंकि अपन लोग को एसजीएम में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम शॉटगन ज़्यादा चलाते हैं ना, इसीलिए एम4 गिरा दिए थे। तो बहुत देर बाद हम लोग आ चुके इधर में, और सामने एक बंदा दिख रहा है, तो ये बंदा तो नॉक हो गया। यहाँ पर रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, और बंदा ने डैमेज देने की कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, हम सोचे इसको नेट कर दें। चलो भाई नेट से अगर मर गया तो काफ़ी सही रहेगा, लेकिन नेट चला परफेक्ट गया नहीं, और थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। बंदा अपना बंदे को रिवाइव करने की कोशिश में, लेकिन हमारे रहते हुए अपने बंदे को रिवाइव नहीं कर सकता है। हम सोच रहे जब वो सोचेगा हम लोग इधर है, लेकिन हम घूम के जाएंगे, और वो बंदा भी क्या ही सला रिवाइव करने की कोशिश है। पागल जैसे गोली चला रहा है। अच्छा चलो बंदा खत्म, रुकेंगे नहीं भाई, रुकेंगे नहीं, सीधा जाएंगे मेडकिट लगाएंगे, उसके बाद ही घर से निकलेंगे। तो मेडकिट लगा लेते हैं, क्योंकि एक तो कम हेल्थ है, और उसी जगह में अगर लूटते तो अगर कहीं बंदा आ जाता तो बस दो तीन गोली में सीधे ख़त्म हो जाते, और ऐसे मौका हम नहीं देना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मेडकिट तो कर लिए हैं, सामने बंदा रिवाइव हो रहा है, तो पहले रिवाइव तो कर दिया अभी तक में बंदा। बंदा छिप गया यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको तो मार देते हैं, लेकिन इसका साथ वाला बंदा तो रिवाइव हो चुका होगा, अब हो चुका है तो पता नहीं अब कहाँ पर है, अगर यहीं आएगा तो अपने हाथों ही मरेगा, अब नहीं आएगा तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको तो ख़त्म कर लेते पहले। चलो ये बंदा ख़त्म, चलो इसका बंदा आ भी गया, 16-17 का डैमेज, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस करते हैं। शॉटगन तो हैवी क्या अपने पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बंदा ये देखो, अबे क्या हो रहा है भाई 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 भाई, मैं एक गोली भी नहीं लगा, सोचो यार क्या ही बोले, क्या ही वो भाई 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 क्या ही नुकड़े जिसे खेल रहे हम, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मार के ही छोड़ेंगे चाहे जितना बड़ा नुक क्यों ना। यहाँ पर से दिख रहा थोड़ा सा मारने लगाने, अब भी नहीं मरा यार, वो मरेगा कहाँ से, लेकिन अब तो मर गया ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से नहीं रुकेंगे, फिर से मेडकिट लगा लेते हैं, उसके बाद ऊपर में फाइट हो रहा है, मेडकिट लगाने के बाद सीधे जाएंगे ऊपर की तरफ, और वहीं पर देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लूट कर लेते हैं, देखते हैं बंदे के पास क्या क्या सामान है। तो
मेडकिट नहीं है बंदे के पास। ओह एक मेडकिट है, मेडकिट भी उठा लेना चाहिए हम लोग को, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। मेडकिट उठा लेते यार। कुछ हेडशॉट लगा, बंदा काफ़ी डैमेज है, ये सही मिल रहा है। ओ भाई बंदा सोच रहा है बस उसी के पास, अपने पास भी प्रॉब्लम है क्या? चलो कोई बात नहीं, स्कैनर में और दो बंदे दिख चुके हैं, तो उससे पहले हम लोग मेडकिट कर लेते हैं। भाई भाई मेडकिट करने के मामले में हम बहुत सतर्क रहते हैं यार, क्या ही बोले। थोड़ा सा डैमेज बढ़ा सीधा घर के अंदर जाओ, उसके बाद मेडकिट करो, बाहर में क्या पता कहाँ से कोई गोली मार दे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे से दो बंदा आ रहा है यार, एक तो खुले में है ऊपर से, और वहाँ पर फाइट अटेंड करना अपने लिए सही नहीं होगा। तो हम सोच रहे एक तो डैमेज हो चुके हैं, जोन भी श्रिंक हो रहा है, तो यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो भाई पीछे से निकल लिया जाए। तो अब पीछे से निकलने के चक्कर में हम मेडकिट भी नहीं लगाए, तो हम सोच रहे भाई इन्हेलर को यूज़ करें या ना करें, यूज़ करें या ना करें। लेकिन बाद में इन्हेलर ऐसे टाइम में काम आ जाता है ना भाई, जब तुम फाइट करेगा तब तुम लगा सकता है, और मेडकिट तो भाई खड़े खड़े लगाना होता है, तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम तो सोच रहे कि भाई यहाँ से जिप लाइन से चले जाए, और आगे में जो होगा मतलब जोन में तो पहुँच जाएंगे कम से कम, बस आगे में बंदा ना हो। लेकिन बंदा दिख चुका है, अब कोई बात नहीं, यहीं पर उतर जाते हैं, चल जाते हैं टावर में, थोड़ा सेफ हो लेते हैं, क्योंकि अपने को मेडकिट तो लगाना ही है। भाई क्या ही डैमेज पड़ा है, हल्का सा डैमेज पड़ा है, कोई बात नहीं, अब मेडकिट लगाना हो गया। अब बंदा पीछे में, बंदा पता नहीं जोन के अंदर जाने का कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन हमको ये जगह अब थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि ऊपर से भी बंदे आने वाले हैं, नीचे से भी, नीचे तक। चलो ये बंदे को कुछ डैमेज दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज हो गया, और M4A1 गन मिड रेंज के लिए काफ़ी सही रहता है, लॉन्ग रेंज में सही रहता है। अरे भाई भाई भाई, आगे पीछे से हमको पता था कि हम घिर चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन सबसे पहले मेडकिट करना होगा, फिर से डैमेज, भाई डैमेज पड़ कहाँ से रहा है। चलो कोई बात नहीं, बहुत गलत जगह में फंसे हैं, लेकिन एक ग्लू वॉल लास्ट था, उसको भी यूज़ कर लिया। चलो मेडकिट लगाते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ बचना नामुमकिन है। चलो जो भी हो, तो भाई अभी तक तो मैंने बोला नहीं, लेकिन अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाना, अगर मैं मर गया तो। चलो भाई मैं तो मर भी गया, अब आप अपना काम कर दो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग।